एवरीवन, आप कैसे हैं? वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो आज मैं आ गई हूँ अकेले आप लोगों के कमेंट्स रीड करने। पायल इसलिए नहीं आई है क्योंकि पायल थोड़ा सा बिजी है और एक दिन व्लॉग नहीं आया क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा बिजी थे। तो मैंने सोचा आज का जो व्लॉग है स्किप ना करूं और कमेंट्स रीड करूं। तो पहला कमेंट पढ़ने जा रही हूं मैं विधि सैनी 2706 का। पायल, कृतिका एंड अरमान लिव सो केयरफुली, केयरिंग ईच अदर एंड लविंग, कांट वेट टू सी देयर स्मॉल नए मेहमान। थैंक यू सो मच। ये बात तो है, हम तीनों एक दूसरे का बहुत ध्यान रखते हैं और बहुत प्यार से रहते हैं और हम लोग भी बहुत ज्यादा वेट कर रहे हैं अपने नए बच्चों का। और आज ही डॉक्टर ने मुझे डेट दी है, 13 अप्रैल के पास पास डिलीवरी होगी। तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी हूँ प्लस नर्वस भी हूँ। तो नेक्स्ट है 1Soul5529 का। जब बच्चे के बाल बनते हैं तब जलन होती है, इसकी मेडिसिन लेना सही नहीं है, बस पानी पियो ज्यादा। तो 1Soul जी, मैं बहुत ज्यादा पानी पीती हूँ। अभी भी देखो मेरी बॉटल वहां रखी हुई है, हर एक रूम में मेरी बॉटल रखी है पायल की। हम पानी बहुत ज्यादा पीते हैं। बाकी एसिडिटी जब हद से ज्यादा हो जाती है ना तो दवाई खानी पड़ती है, क्योंकि क्या होता है एसिडिटी की वजह से कुछ खाने का मन नहीं करता। और इस टाइम पे ना भूखे नहीं रह सकते क्योंकि बच्चा है पेट के अंदर, तो हर चीज का ध्यान रखना पड़ता है। तो नेक्स्ट है जस्ट टाइम पास 6914 का। टेक 1-2 पीस एप्पल आफ्टर मील टू रिमूव एसिडिटी एज वेल एज हार्ट बर्न। मुझे भी होता था। ठीक है जी, काम करूंगी मैं। एप्पल आज ही खाया है तो कल भी खा लूंगी, और आज तो मुझे एसिडिटी नहीं हुई। बाकी कभी भी एसिडिटी जैसा होगा तो मील के बाद एप्पल ले लिया करेंगे। तो नेक्स्ट है जुगल कौशल 7704 का। पायल दीदी, आपने गन्ना क्यों खाया? आपको कल मना करा था। तो गाइस, पायल ना जितने गन्ने पड़े वो निपटा रही है, उसके बाद गन्ना नहीं मंगवाएगी। पर होता है ना कि हम प्रेग्नेंट है, क्रेविंग होती है, सामने जो चीज पड़ी होती है हमें पता है घर में वहां पड़ी है। तो जब तक वो खत्म नहीं होती ना, संतुष्टि नहीं मिलती अंदर से। तो संतुष्टि होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वो गन्ने खत्म हो गए हैं तो अभी पायल नहीं मंगवा रही। तो नेक्स्ट है शरण गेल 0526 का। कच्ची लस्सी पायल पिया करो, बहुत चंगी हुंदी है, ठंडी हुंदी है। जी बिल्कुल शरण जी, आप सही बोल रहे हैं, कच्ची लस्सी पीनी चाहिए। आज ही हमने लस्सी पी थी और आज बिल्कुल भी एसिडिटी जैसा नहीं लग रहा। तो आप लोगों के कमेंट्स जो है ना, मैं याद रखती हूँ कि आप लोग इतने प्यार से कमेंट्स करते हो, क्या क्या करते हो हमारी हेल्थ के लिए। तो नेक्स्ट है अनीता कुमारी जी का। पायल जी, अगर गले में जलन होती है थोड़ा सा जीरा चूसना, जैसे टॉफी चूसते हैं। अनीता जी बिल्कुल, मैंने ऐसा तो कभी देखो सुना नहीं है जीरे का। क्या आप बोल रहे हैं तो बिल्कुल सही होगा, मैं पायल को बोल दूंगी क्योंकि गले में ना जलन काफी ज्यादा होने लग गई है। और आज पूरा दिन हमारी एसिडिटी बिल्कुल ठीक थी क्योंकि टाइम से दवाई ले ली थी और लस्सी भी पी थी। बाकी नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा कुछ होता है अनीता जी तो जीरे से कर लेंगे। नेक्स्ट है @RARC, काफी लंबा नाम है, Sarvita Chetney 7415 का। ऑयली खाना मत खाओ, मेरे साथ भी ऐसा हुआ तो डॉक्टर ने ऑयली खाना बंद कर दिया। बिल्कुल सही बात बोल रहे हो, कल मैंने पायल को यही बात बोली थी कि तो ऑयली खाना बिल्कुल मत खा, क्योंकि हम ऑयली खाना खाते हैं ना उससे एसिडिटी बहुत ज्यादा होती है। और ब्रेड पकौड़े खाए थे मैंने 2 दिन पहले, कल एसिडिटी थी। तो ठीक है, बिल्कुल भी ऑयली खाना हम अभी नहीं खा रहे और आज एसिडिटी की कोई दिक्कत नहीं है। तो नेक्स्ट कमेंट है Android NV40B का। बेबीज के हेयर की वजह से जलन होती है, ये नेचुरल है। तो थैंक यू सो मच गाइस, मुझे तो बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी क्योंकि फर्स्ट प्रेगनेंसी है। पायल को भी इस बारे में नहीं पता था कि जब बेबी के हेयर्स अंदर ग्रो करते हैं तो उसकी वजह से जलन होती है और नेचुरल है ये। तो ठीक है, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने बता दिया। तो नेक्स्ट है वर्षा महतोरा 7728 का। आप प्लीज कौन सी साइट से ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, रिप्लाई। तो गाइज, हम वर्षा जी, हम 2-3 साइट से ही ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, टीजन मोर से, लस्टर बाय गुंजन से, 2-3 जगहों से ही करते हैं। तो हम जो भी कपड़े पहनते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने नाइट सूट पहना हुआ है, टीजन मोर का पहना है, तो अगर आप लोगों को भी लेना तो आप भी ले सकते हो, इंस्टाग्राम पे उनको मेंशन करती हैं। तो नेक्स्ट है एनी बोखिम 4754 का। पायल, आप चाय पीना कम कीजिए, गैस्ट्रिक की वजह से चेस्ट बर्न होता है। तो एनी जी, चाय पीना बिल्कुल हमने कम कर रखा है, एक सुबह शाम की जो चाय है वही हो रही है। तो बीच में क्या था, सर्दियों का टाइम था तो हम लोग ना 3-3, 4-4 बार चाय पी रहे थे, बट अभी क्या गर्मियां स्टार्ट हो गई है तो खुद से चाय पीने का मन नहीं करता। तो आज भी 2 बार चाय पी है और 1 बार लस्सी पी है और केसर वाला दूध भी। तो नेक्स्ट है कोमल शर्मा का। लस्सी पियो, एसिडिटी कम होती है कोकोनट वाटर से भी। तो गाइस, आज ही मैंने सब कुछ पी लिया, सब कुछ। सबसे पहले सुबह चाय पी थी, फिर कोकोनट वाटर पिया, फिर मैंने लस्सी पी घर आकर, फिर दोबारा से दूध पिया, चाय भी पी। तो बिल्कुल टेंशन मिल दीजिए, सब कुछ हम खा पी रहे हैं। अभी एसिडिटी की कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मुझे सारी चीजें पता चल चुकी है। तो नेक्स्ट है टिनटिन फैमिली चैनल का। पायल जी, गोलू जी, हमारे यहाँ बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि प्रेग्नेंट औरत को डायरेक्ट जमीन पर नहीं बैठना चाहिए, उससे बच्चों का सर बड़ा होता है क्योंकि आपका पूरा टाइम चल रहा है, बच्चे का सर नीचे की तरफ है, कृपया आप कुछ लेकर बैठे वगैरह, टेबल चेयर बैठा मत करो। गॉड ब्लेस यू पायल एंड प्रीति का
कृतिका मलिक, गॉड ब्लेस यू डियर्स, थैंक यू सो मच टिंटिन फैमिली चैनल 4354 का आपने इतना बड़ा कमेंट करा। अभी बिल्कुल आप सही बोल रहे, कभी कभी ना बाय मिस्टेक हो जाता है कि हम ऐसे नीचे की तरफ बैठ रहे हैं, क्योंकि हम लोग नहीं बैठते हैं, हम लोग मोस्टली ऊपर ही बैठते हैं, बट कभी कभी इन केस हो जाता है तो वो एक दो सेकंड के लिए होता है, पर आपको ऐसा लगता होगा व्लॉग में हम बैठ रहे तो पहले और भी बैठते होंगे, पर ऐसा नहीं है गाइस, गलती से हो जाता है एक आधी बार। तो नेक्स्ट है राजेंद्र प्रसाद शर्मा का, जी पायल जी मैंने पहले ही बताया था कि पुंटल दाल आती है उससे चटनी बनती है जो कि हम डोसा और इडली के साथ खाते हैं, दाल बिल्कुल चने जैसी होती है, आपको जलन भी हो तो आप 2 स्पून खा सकते हो, मैंने अपनी प्रेगनेंसी के पूरे 9 महीने खाई थी, बहुत ही जल्दी आराम मिलता है, टेक केयर। थैंक यू सो मच राजेंद्र प्रसाद शर्मा जी, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था इस दाल के बारे में, बाकी मैं पायल को बता दूंगी कि आपने इतना प्यारा कमेंट करा और बताया है कि अगर आप ये दाल खाते हैं तो जलन नहीं होती है, तो ठीक है हम ट्राई करेंगे। जितना टाइम बचा अभी मेरी डिलीवरी को ऑलमोस्ट 20-25 दिन बचे हैं, तो जितना भी टाइम बचा मैं ट्राई करूंगी, पायल के बचे 1 महीना। तो नेक्स्ट कमेंट है ZK किचन 2620 का, माय डियर पायल आपको ब्लड की बहुत जरूरत है, चुकंदर और गाजर दोनों का इकट्ठा जूस निकाल के रोज पियो, आप इंशाल्लाह ब्लड की कमी पूरी होगी, आप प्लीज मेरा कमेंट का रिप्लाई करना, मुझे बहुत फिक्र होती है, लव यू पायल, अल्लाह पाक सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी जिंदगी दे, औलाद दे, आमीन। थैंक यू सो मच जेड किचन जी, अल्लाह आपको भी बहुत सारी सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, आपके घर में तमाम खुशियां लाए और अल्लाह आपके पूरे घर को बहुत ही अच्छे से रखे। और बाकी ना मैं आपको बता देती हूँ, गाजर का चुकंदर का जूस ना हम कंटिन्यू पी रहे हैं, आज नहीं पिया क्योंकि आज शांति को बोला था कि शांति जूस निकाल दे, तो बोला था कि दीदी गाजर से 4-5 पड़ी है उसमें सिर्फ इतना सा जूस निकलेगा, तो कल गाजर लेकर आती हूँ और हम रेगुलर जूस पी रहे हैं उसका, ताकि पायल को जो ब्लड की कमी है उसके लिए वो मेडिसिन भी खा रही है वो ना हो। तो नेक्स्ट है सोनू कटारे का 6532 का, आपके ट्विंस बेबी के हेयर बहुत अच्छे होंगे इसलिए आपको हर्ट बर्न होता है, आई मीन बच्चों के बाल बहुत घने हैं इसलिए ऐसा हो रहा है। जी बिल्कुल, आज कितने सारे कमेंट आ गए कि बच्चों के बाल की वजह से ये हार्ट बर्न होता है, मुझे तो बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी, ठीक है मैं पायल को आज बता दूंगी कि ट्विंस बेबी है तेको और हार्ट बर्न इसलिए हो रहा है क्योंकि बेबी के हेयर आ रहे हैं। तो नेक्स्ट कमेंट है डीपी द रियल फैक्ट 7835 का, आप हेयर गार्डन क्यों नहीं जाते, आपने इतने मन से और मेहनत से बनाया, तो गाइस ड्यू टू प्रेगनेंसी की वजह से मेरा और पायल का ना हेयर गार्डन जाना थोड़ा सा मुश्किल हो गया था, क्योंकि हम लोगों को वहाँ पे बैठना, चीजें देखना, ऐसा आप अगर आप किसी ऑफिस में ज्वाइनिंग करते हो तो आपको वहाँ पे काम करना होता है, अगर आप किसी जगह पे एज ए ओनर जा रहे हो तो आपको हर चीज देखनी पड़ती, ये नहीं होता कि आप वहाँ जाके बैठ जाओ, तो बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि अभी भी देखो मैं कमेंट पढ़ रही हूँ तो मुझे सांस चढ़ रहा है। तो पायल के ट्विंस है, मेरी पहली प्रेगनेंसी है, मैं कोई भी रिस्क नहीं चाहती थी, मैं चाहती थी ये जो टाइम है ना मेरे लिए बहुत प्रीशियस है, मेरा पायल का, ये मेरी शादी के 6 साल बाद बेबी मुझे कंसीव हुआ है, तो मैं इस टाइम को खोना नहीं चाहती थी, तो इसलिए मैं चाहती थी कि मैं अभी कोई भी ऐसी जगह पे ना जाऊं, ऊपर नीचे ना करूं जिससे मुझे तकलीफ हो और मैं घर रहूं। तो नेक्स्ट है साइना मोमिन 9572 का, कृतिका दी पायल दी लव यू बोथ, यू वेरी क्यूट माशाल्लाह, चीकू इज अ क्यूटी पाई डार्लिंग माशाल्लाह, लव हिज एटीट्यूड एंड कॉन्फिडेंट इन द सॉन्ग, प्लीज टेक केयर एंड ऑलवेज स्टे हैप्पी, वेटिंग टू सी योर बेबीज इंशाल्लाह, स्टे ब्लेस्ड एंड सेफ, कृतिका दी यू आर वेरी अडोरेबल माशाल्लाह, लव यू मलिक फैमिली, थैंक यू सो मच साइना मोमिन 9572, आप इतना प्यारा इतना क्यूट सा कमेंट कर रहा है, इंशाल्लाह आपका जो इंशाल्लाह जल्दी से हमारे जो बेबीज है वो सही सलामत आ जाए और आपके घर में भी सब कुछ सही रहे। तो नेक्स्ट है स्नेहा मिथानी का, चीकू के हेयर बहुत अच्छे है, जब चीकू पोनी बनाता है तो पायल दी चीकू और ज्यादा क्यूट लगता है, स्वीट बच्चा, बाबा जी ब्लेस यू, थैंक यू सो मच स्नेहा, बिल्कुल हमारा बहुत मन है कि चीकू के ना पूरी पीछे पोनी करे, अब उसकी पोनी यहाँ आती है कुछ टाइम में, 2 महीने की बात है, तो उसके बाद बिल्कुल पीछे जाने वाले हैं, जैसे शाहरुख खान सर के बाल हैं बिल्कुल पीछे जाते हैं, उनकी पोनी बनती है, ऐसे हम चीकू का हेयर डू करेंगे और बहुत ही मेहनत से ना चीकू के बाल बढ़ाएंगे, क्योंकि चीकू के पापा का बहुत सपना था कि उनके ऐसे बाल हो, तो वो अपना सपना चीकू पे पूरा कर रहे हैं, तो हम चीकू के बालों पे बहुत मेहनत करते हैं, ऑयलिंग करते हैं, कोई स्प्रे नहीं लगाते, अगर हम ड्रायर भी करते हैं तो ठंडे ड्रायर से करते हैं ताकि वो बाल खराब ना हो। नेक्स्ट है आधा खान 6532 का, चीकू की बाल की छुट्टियां बनाया करो, बहुत अच्छी लगती है, तो गाइस छुट्टियां नहीं बना सकती, चीकू लड़का है नहीं तो लड़की लगेगा, चीकू को बिल्कुल पसंद नहीं है छुट्टियां बनाऊं, और चीकू के पापा को भी ऐसी चीजें नहीं पसंद, तो हम बैंड लगाते हैं और पोनी बनाते हैं, छुट्टियां हमारी जो हमारी बच्ची होगी ना उसकी बनाऊंगी मैं बहुत सुंदर सुंदर छुट्टियां। तो गाइस आज का लास्ट कमेंट है अंशिका खुशवा 5996 का, आप लोगों का जो बेड है वो परमानेंट है या अलग से अटैच है, तो गाइस जो हमारा जो बेड है ना वो क्या है मैं आप लोगों को बता देती हूँ, एक डबल बेड है और
और एक सिंगल बेड है, तो वो ऐसा लंबा बना हुआ जो डबल बेड है और उसके साथ में सिंगल बेड है, छोटा सा ना पार्टीशन है, बट वो पार्टीशन पता नहीं चलता। तो हमारा हाइड्रोलिक बेड है, जब हम उठाते हैं तो एक दो साइड एक उठती है और एक साइड एक उठती है, मतलब सिंगल वाली साइड एज ए सेट ही उठती है। तो पर दिखने में वो पूरा इक्वल इसलिए लगता है, कोई इसमें गैप इसलिए नहीं है, क्योंकि जो गद्दा है ना वो हमने स्पेशली कस्टमाइज कराया है अपने साइज के हिसाब से, अपने बेड के साइज के हिसाब से। पूरा वो एक लॉन्ग गद्दा है, अगर हम उसको हाफ ऑफ करते ना तो जो बंदा बीच इधर सो रहा होता ना उसको दिक्कत आती। तो ऐसा बेड है, अगर आप लोगों को भी बनवाना है तो आप भी बना सकते हो। हमें तो लग रहा है यार ये वाला बेड भी छोटा पड़ेगा, क्योंकि फैमिली बढ़ रही है, हम 4 से 7 होने वाले हैं। तो बस गाइस, टॉक विद कृतिका एंड पायल वाला जो सेक्शन है वो यही खत्म करती हूँ। आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा नंबर 1 रिकॉर्ड्स को, लिंक डिस्क्रिप्शन में, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और जिन्होंने चीकू का गाना नहीं देखा, स्कूल नहीं जाना, वो भी जाके जरूर चेक करें। बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट कमेंट वीडियो में।